समय था बादशाह अकबर और बिरबल राजमहल के एक बगीचे में फुवारे के पास बैठे थे। बादशाह ने बिरबल से पूछा, बिरबल एक मेहमान ऐसे हैं जो आते हैं धीरे धीरे और जाते हैं धीरे धीरे, बताओ वे कौन है। बिरबल बोला, क्या पना, ये मेहमान डाक है। बादशाह बोला, बिरबल दो एक ही जाति है, दोनों का रंग समान है। एक बोलता है तो सबको पसंद आता है, दूसरा बोलता है तो किसी को पसंद नहीं आता, वे कौन है। बिरबल बोला, कौवा और कोयल दोनों पक्षी है, दोनों का रंग काला है। कोयल बोलती है तो सबको पसंद आती, कौवा बोलता है तो किसी को पसंद नहीं आती। बिरबल अब बताओ कि पानी और प्रकाश के बिना क्या उगता है, बादशाह ने पूछा। बिरबल ने अकबर को पहेली में ही जवाब दिया, जहाँ पना एक पेड़ है जो पानी और प्रकाश के बिना भी उगता है। उस पेड़ के मूल डाल या पत्ते नहीं होते, किंतु उसमें ढेर सारे फूल होते, पर उसमें फल नहीं लगते। अकबर सोचने लगा। सोचते सोचते बादशाह ने आकाश की ओर देखा और फौरन जवाब मिल गया, तारे। अकबर बोला, आकाश का यह पेड़ सचमुच चमत्कारी है, इसमें अनगिनत फूल है, ये फूल कभी नहीं मुरझाते। आकाश का यह पेड़ बिना पानी और प्रकाश